बाजारों की बात करते हैं और कल तो हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे थे। हालांकि कुछ दायरे में भी बाजार कारोबार कर रहा था, हमने 22,000 के लेवल्स भी तोड़े बीच में, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो 22,000 के ऊपर देखने को मिली, लेकिन थोड़ी कमजोरी करेक्शन बाजार बंद होते होते हमने देखा कि करेक्शन भी हावी था। 140 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी करीब 70 अंकों से ज्यादा की गिरावट कल देखने को मिली। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। कल एफआईएस कैश मार्केट में 285 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं, वहीं डीआईएस की बात करें तो 412 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 627 करोड़ की खरीदारी हुई है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखेंगे तो करीब करीब 14,790 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। अब इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए मार्केट के पास एक अच्छी चीज ये है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और बार बार एक महीने के अंदर चार चार बार नया ऑल टाइम हाई भी लगा देता है। लेकिन आप देखिए प्रॉब्लम ये है कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद फ्यूल खत्म हो जाता है और उसके बाद उन दोनों को नीचे आना पड़ता है। तो कुल मिला के सारी प्रोसेस ये है कि मार्केट का बार बार रिजेक्शन आ रहा है 22,200 के आसपास। ये पहली बार का रिजेक्शन नहीं है, ये दूसरी और तीसरी बार का रिजेक्शन है। तो इसलिए ये तो बात समझ में आ गई कि 22,200 के आसपास का जो मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि 22,000 के आसपास का जो सपोर्ट है, मैं बोलूंगा थोड़ा 21,800 तक का जो सपोर्ट है सीरीज का, वो भी अपना रोल प्ले करेगा। क्योंकि डाटा में कोई मेजर चेंजेस एज सच नहीं हुए हैं, उल्टा एकदम पॉजिटिव हुए हैं। पहले मैं निफ्टी पे आता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो दो नेगेटिव हुए पहले मैं वो बता देता हूँ। नेगेटिव ये हुआ है कि हम प्रीमियम से डिस्काउंट पे चले गए। प्रीमियम से डिस्काउंट पे जाने का मतलब ये होता है कि आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई, आप उसको लेना ही नहीं चाहते। आप ज्यादा पैसे क्यों दोगे किसी भी चीज के अगर आपको लेना ही नहीं है तो डिस्काउंट इस चीज का सोचा गया कि यहाँ पे आके ट्रेडर्स का मन नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्लस करने का, क्योंकि उनको लगता है बाजार यहाँ पे थोड़ा उनके पक्ष में नहीं खड़ा, रिटेलर्स के पक्ष में नहीं खड़ा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हाई विक्स है, यहाँ पे 16 के आसपास का विक्स चल रहा है। वॉलिटिलिटी रिटेलर से टिपिकली झेली नहीं जाती है, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि इसमें पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो एक और नेगेटिव इसके अंदर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसके अंदर बार बार आपको थोड़ा शेक कर रहा है ये, और 21,800 तक ड्रैग करके भी लेके जा सकता है, क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट भी नॉर्मल हो चुके हैं। पहले थोड़ा एबनॉर्मल थे ओपन इंटरेस्ट, मैंने कई बार आपको नोटिस करवाया, बट अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के नॉर्मल ओआई हो चुके हैं। अब अच्छी चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छी चीज है कि एफआई जिस बीच अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, उन्होंने करीब 2% की लॉन्ग पोजीशंस को और बढ़ाया है। ये 40 से 42 आ चुके हैं। पिछले 7 दिनों में उन्होंने 35% से 42% तक की लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। यही बड़ी वजह है कि आप बार बार ऑल टाइम हाई लगता हो देखते हो, बाजार ज्यादा नीचे जाता नहीं है। लेकिन क्या एफआई जिस तरह से खरीदते रहेंगे इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जैसे ही वो आ जाएंगे 45 से ऊपर उसके बाद बाजार एक तरफा करने की कोशिश करेगा, तो एक तरफा तोड़ देगा तो एक तरफा चलाएगा। फिलहाल अभी आप एक नॉर्मल रेंज के अंदर हो। ये सीरीज की रेंज 21,800 तक की बनती है। अभी आप वही स्टॉप लॉस लगा के बने रहे जिनके पास निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन पड़ी है, और जो लेना चाहते हैं उनका भी स्टॉप लॉस 21,800 का ही होगा। 22,000 एक क्रिटिकल पॉइंट है। 22,000 के जितना आप ऊपर रहोगे आपके चांसेस ज्यादा है शॉर्ट कवरिंग के। कहां तक होगी शॉर्ट कवरिंग, वो 22,200 तक की होगी। ऑलरेडी हमने शॉर्ट कवरिंग के दम पर नए हाई लगाई चुके हैं, लेकिन मैंने कई बार आपको बताया कि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिफ्ट होती है, वो बाजार को बहुत दिनों तक नहीं चला सकती, और यही आपने कल भी सेशन में मार्केट के अंदर होते हुए देखा है। इसलिए अगर जिसको भी कुछ प्लस करना है या तो वेट करें या तो 21,800 का स्टॉप लॉस लगाए। 22,000 के जितना ऊपर रहेंगे चांसेस है कि कवरिंग और आएगी और 22,200 तक लेके जाएगी, और जितना 22,000 के आप नीचे चले जाएंगे आपके चांसेस उतने ही और खराब होते जाएंगे। अगर आपको एक बेस्ट ट्रेड लेना है तो 21,900 की वेट करो, 21,900 के आसपास सौदा प्लस करो, 21,800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाओ, फिर 22,200 का एक टारगेट रखोगे तो फिर आपके लिए वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक बनती हुई दिख जाएंगी। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन अभी वो होल्ड करें। कल बैंक निफ्टी पॉइंट्स के लिहाज से कुछ ज्यादा नहीं टूटा, तो अनवाइंडिंग इसके अंदर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल पे भी नहीं हुई है, तो आपको थोड़ा इसके अंदर अभी ध्यान रखना चाहिए। और आप चाहें तो 46,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के सीरीज का वो बनाए रख सकते हैं। ऊपर जाते समय 47,200-300 पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो आपका टारगेट होगा। क्या शॉर्ट वालों को शॉर्ट करना चाहिए? थोड़ा मौका देख के करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। आपने दोनों तरफ के ट्रेड 2 दिन से देख भी रहे हैं और ये आगे भी मिलेंगे और ये सीरीज तक मिलते रहेंगे, तो इसलिए दोनों को अपने अपने लेवल्स का ध्यान रखना। जितना होगा रेजिस्टेंस के पास बेच दें, जितना होगा सपोर्ट के पास खरीद दें। ऑप्शन ट्रेडर इंट्राडे खूब काम करें। 16 का विक्स चल रहा है, उनको बढ़िया इंट्राडे ट्रेड मिल रहे हैं। ध्यान रखा जाए 15 शेयर एफ एंड ओ बैन के अंदर है,
ये 15 शेयर बैंड के अंदर ये बताते हैं मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल बहुत है। ये एंजाइटी कुछ कुछ ऐसे फील होगी कि आपको जैसे बाजार थोड़ा नीचे गया तो सबको लगेगा टूटा टूटा टूटा, और जैसे बाजार थोड़ा ऊपर आया सबको लगेगा और चला और चला और चला। तो ये और चला और टूटे वाले कंसेप्ट से थोड़ा अपने आपको रोकना होगा। ये भाव और भावनाओं का खेल है, भावनाओं को कंट्रोल करें, भाव से एंट्री करें और भाव से ही एग्जिट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मौका है, 16 के पास विक्स है। बैंक निफ्टी के लिए भी आपको एम लेवल्स बता दिए हैं, और बैंक निफ्टी दोनों साइड के लिए ट्रेड आपको मिल सकता है तो उसका ध्यान रखिए। और निफ्टी में 21,800 ये है होगा स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 22,200 तक के लेवल जा सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर और तेज़ी आ सकती है, लेकिन 21,800 ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए निफ्टी के लिए, और चाहे तो इसको अपने स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो जिनके पास हैं वो बने रहें 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये तो सलाह हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं अपने साथ, उनसे भी बाजार पर राय लेंगे। हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया मौजूद हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, आज किन शेयर में ट्रेड करने की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मार्केट हल्का सा भारी है, थोड़ा अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो क्रॉसओवर सेल आ चुके हैं, थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो एक हैवीनेस है मार्केट में। तो पहला स्टॉक है जिस पे सेल कॉल रहेगा इंट्राडे, सिप्ला है। अगर आप एक घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो सब कुछ सेल में आ चुका है और नेगेटिव डाइवर्जेंस, एक शॉर्ट टर्म वीकनेस को बता रहा है, और परसों डाउनवर्ड की रिवर्सल का भी पैटर्न दिया है। तो सिप्ला पे इंट्राडे सेल कॉल रहेगा, 1448 के आसपास की एंट्री, 1455 का स्टॉप लॉस और 1434 का टारगेट रहेगा सिप्ला पे। और दूसरा स्टॉक है जहां पे भी सेल कॉल ही रहेगा वो है पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से स्टैग्नेट हो चुका है, यहाँ पे ओवरबॉट है। वंस अगेन वही लॉजिक है, डेली चार्ट पे भी सब कुछ सेल में आ चुका है, इंडिकेटर वीकनेस बता रहा है, इंटरडे चार्ट सराउंडिंग टॉप बता रहा है। तो 282 के आसपास की एंट्री है पेट्रोनेट एलएनजी के लिए, सेल कॉल है इंटरडे, 286 का स्टॉप लॉस और 274 का टारगेट रहेगा। ओके, थैंक यू हेमंत जी आपका समय देने के लिए। तो पेट्रोनेट एलएनजी ओवरबॉट जोन में आ चुका है, काफ़ी तेज़ी भी आई थी लेकिन अब जो करेक्शन है आई है हल्की स्टॉक में उसे आप प्ले कर सकते हैं। 282 के पास आए तो स्टॉक में एंट्री लीजिए, नीचे की तरफ 274 का लक्ष्य दिख रहा है स्टॉक में और स्टॉप लॉस होगा 286 का। वहीं सिप्ला में भी बिकवाली करने की सलाह है आज, 1434 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस है 1455 का। तो यह है सलाह आज हेमंत की तरफ से, स्टॉक स्पेसिफिक जो आइडियाज़ हैं वहाँ पे बिकवाली करने की सलाह आ रही है दोनों ही शेयरों पर।